गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत के तृतीय पाठ अहम और त्वम की एक्सरसाइज को करवाया था और शब्दार्थ करवाए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, मैंने ये चैप्टर आपको दिया है लिख करके संस्कृत में, और इस पर मैंने 1, 2, 3 करके नंबरिंग डाली है 9 नंबर तक। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 को पहले उतारेंगे संस्कृत को, और फिर नीचे ऐसे ही मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 9 तक नंबरिंग डाली है, तो नंबर 1 की संस्कृत लेफ्ट साइड लिखेंगे और उसी तरीके से राइट साइड उसकी हिंदी लिखेंगे। सेम एज आपको 9 नंबर तक करना है, लेफ्ट साइड आपको संस्कृत लिखनी है और राइट साइड आपको हिंदी लिखनी है। तो नीचे जो हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है उसे मैं आपको अब बता रही हूँ। तो पहला जो आपका पैराग्राफ है उसकी हिंदी होगी, मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। दूसरे पैराग्राफ की हिंदी होगी, मैं विद्यालय को जाता हूँ, तुम कहाँ जाते हो, मैं भी विद्यालय को जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता और लिखता हूँ। तीसरा जो आपका पैराग्राफ है उसकी हिंदी होगी, मेरा नाम राधा है, मैं पढ़ती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम विवेक है, तुम क्या करते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, चौथा जो आपका पैराग्राफ है उसकी हिंदी होगी, मैं जाता हूँ, मैं विद्यालय को जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ नंबर 5, तुम जाते हो, तुम घर को जाते हो, तुम वहाँ रहते हो। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6, रमेश खेलता है, क्या तुम खेलते हो, हाँ मैं खेलता हूँ। पैराग्राफ नंबर 7, सुधा खाती है, क्या तुम खाती हो, हाँ मैं खाती और पीती हूँ। पैराग्राफ नंबर 8, तुम क्या लिखते हो, मैं पत्र को लिखता हूँ। पैराग्राफ नंबर 9, और ये लास्ट पैराग्राफ है आपका, मैं संस्कृत को पढ़ता हूँ, तुम क्या पढ़ते हो, मैं भी संस्कृत को पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।